पाकिस्तान की सीमा हैदर और सचिन की लव स्टोरी। सचिन के लिए अपनाया हिंदू धर्म, मांस छोड़ अब कैसे कर रही तुलसी की पूजा। बताया क्यों नहीं लौटना चाहती है पाकिस्तान। पंछी नदियां पवन के झोंके, कोई सरहद ना इन्हें रोके। ये फिल्मी गीत आज हकीकत में चरितार्थ हो रहा है। पाकिस्तान की सीमा हैदर और भारत के सचिन का प्यार जब परवाज चढ़ा तो सारी मुसीबतों और परेशानियों से लड़ते हुए सीमा हैदर सरहद के इस पार हिंदुस्तान चली आईं। सीमा हैदर पहले से शादीशुदा हैं, उनके 4 बच्चे भी हैं, वो उन्हें भी लेकर भारत आई हैं। उनकी मोहब्बत सचिन ने भी उनको निराश नहीं किया, उन्होंने सीमा को तो अपनाया ही, साथ ही उनके बच्चों को भी स्वीकार किया है। पाकिस्तान से होते हुए शारजा, फिर वहां से नेपाल और फिर वहां से बचते बचाते किसी तरह से सचिन के साथ ग्रेटर नोएडा पहुंची, तो सचिन के परिवार ने भी उनका खुली बाहों से स्वागत किया। मेरा नाम सीमा है सर, और मैं सचिन के प्यार में यहाँ आई हूँ। बहुत चाहती हूँ मैं इनको, हद से ज्यादा चाहती हूँ, और मैं यहाँ रहना चाहती हूँ, इनसे शादी करती हूँ। यहाँ की पुलिस, यहाँ का कानून, यहाँ का सिस्टम बहुत अच्छा है, बहुत चेंज है हमारे यहाँ से, हमारे मतलब मुस्लिम से बहुत चेंज है, बहुत अलग है यहाँ की जगह, यहाँ का अच्छा है रहन सहन बहुत, और मैं यहाँ रहना चाहती हूँ। जेल में बहुत अच्छा, बहुत अच्छे वहाँ के लोग हैं, उनको जैसे पता पड़ा मैं पाकिस्तान से हूँ, बहुत रिस्पेक्ट दे रहे थे मुझे, बहुत अच्छे लोग हैं। सीमा हैदर भारत में अपने नए परिवार के साथ बेहद खुश हैं। वो यहाँ के रीति रिवाज, संस्कार, रहन सहन और पहनावे को पूरी तरह से अपना चुकी हैं। सीमा हैदर पारंपरिक हिंदू परिवार में पूरी तरह से रम गई हैं। घर की संस्कारी बहू की तरह वो सुबह सवेरे उठ जाती हैं, धार्मिक रीति रिवाजों से घर के छोटे से मंदिर में पूजा पाठ करती हैं, फिर तुलसी को जल अर्पित करती हैं। भारत में उन्हें आए बेशक कुछ दिन हुए हैं, लेकिन ऐसा लगता है जैसे वो हिंदू परंपराओं को बहुत अच्छे से निभाना जानती हैं। सुना है सीमा हैदर घर के दस्तरखान को भी बहुत अच्छे से संभालती हैं और बहुत ही लजीज जायकेदार खाना भी पकाती हैं। इनके सास ससुर ऐसी बहू पाकर बेहद खुश हैं। अब भारत में इस खूबसूरत जोड़ी के शादी की तैयारियां चल रही हैं। ये दोनों बहुत जल्द हिंदू रीति रिवाजों से एक दूसरे के बंधन में बंधने वाले हैं। मेरे को 2020 से प्रेम था, 2020 से ये स्टार्ट हुई थी और हमारा जो सरकार जी से बस यही निवेदन करना चाहता हूँ कि बस हमें, यानी कि घर वाले पापा भी बोल रहे हैं कि शादी के हिसाब से तुम्हारी भी, जैसे घर घर पर शादी होती है तो उस तरीका की जितनी हम पे होगी इतनी शादी वैसे करेंगे, तो अगर कोर्ट मैरिज चाहेंगे तो कोर्ट मैरिज करवाएंगे या वैसे घर पे जैसे शादी करते हैं हिंदू धर्म। सचिन का परिवार अपनी नई बहू के साथ बहुत खुश है। सचिन के पड़ोसी और रिश्तेदार भी इनकी जोड़ी को खूब आशीर्वाद दे रहे हैं। सीमा हैदर का कहना है कि वो जब से भारत आई हैं, उन्हें सचिन के परिवार के साथ साथ सभी लोगों का बहुत प्यार और सम्मान मिल रहा है। सीमा हैदर का परिवार ठान चुका है कि वो अपनी बहू को अब कहीं नहीं जाने देंगे, चाहे इसके लिए उन्हें कितनी भी बड़ी कानूनी लड़ाई क्यों ना लड़नी पड़ जाए। इस खबर में फिलहाल इतना ही, बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।